लखनऊ के हजरतगंज में मंगलवार शाम को अलाया अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग अचानक गिर गई। कई परिवार बिल्डिंग के मलबे में दब गए। घटना के कुछ देर बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो गया। यूपी के सारे बड़े नेताओं के घर घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर हैं। वहीं इस हादसे पर मायावती और योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर अब तक एक भी ट्वीट नहीं है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से बुधवार को शाम 6 बजे तक 3 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। दूसरे ट्वीट में हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और तीसरे ट्वीट में विजय राज सिंधिया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार इस हादसे पर ट्वीट हुए हैं। जांच से लेकर कार्रवाई तक के बारे में भी जानकारी दी गई है, लेकिन सीएम के अपने हैंडल से इस हादसे पर एक भी ट्वीट नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने जरूर हादसे पर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दुख जताया है। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की माता और पत्नी के निधन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। हादसे से अब तक सबसे ज्यादा बेखबर बसपा और मायावती हैं। मायावती ने बीते 24 घंटे में सिर्फ एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ नीलकमल।